बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप लोग। ओ जी लोग कहते हैं कि जीतने के लिए केस में जान की नहीं, जान की भाई सोनीपत वाला की जरूरत पड़ी है छाती ठोकी ने। जान की भाई और सरदार जी गुजराती इज माई मदर टंग, फिकर नॉट जी। ओ मैंने तो सरकार के पसीने छुड़ा देने। ओ अजय भाई, हाँ जी, वो हमारा टीवी रिपोर्टर फ्रेंड है ना अनिकेत, हाँ जी, उसको फोन लगा दो जी और कह दो जी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज आवेली छे छाती ठोकी ने। मतलब हम लोग टीवी पे आएंगे? आएंगे वो जी, छा जाएंगे, वो केस नु खा जाएंगे छाती ठोकी ने। अरे गजब मास्टर। छाती ठोकी ने। हाँ बताइए रेखा मैडम। सर आपको रोज पसंद है? हर रोज। आज हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित खबर के साथ लौटे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर से एक एक्सपायर दवाइयों वाला स्कैम मिटा नहीं था। सर हमारे डिपार्टमेंट के न्यूज आइए हम आपको मिलवाते हैं जंगेठी गांव के इन तीन पोस्टर बॉयज से, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी गलती का जीता जागता नमूना है। जगावर जी आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही कहना चाहते हैं कि हमने कोई नसबंदी नहीं करवाई। उन्होंने हमारी फोटो है पोस्टर पर ऐसे ही छाप, आपकी इजाजत के बगैर। वही तो कह रहे हैं, हम ऐसी इजाजत क्यों देंगे? बिल्कुल सही। आइए अब बात करते हैं अर्जुन। देख लो जिन्होंने ये सब किया है ना, वो हमें पता चल गया कौन है। बहुत जल्द वो हमारे आगे दौड़ेंगे और ये लोग पीछे दौड़ेंगे, और फिर हम उनको इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे। आइए हम आपकी बात करवाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी हम मंत्रालय गए थे, हाँ वहाँ में इधर इधर वहाँ में टेक्निकल डायरेक्टर रेखा जी से मिलने नहीं, ये आए थे आपसे मिलने, आपने बताया नहीं। हाँ हाँ सर ये आए थे उस दिन, बहुत हंगामा किया था इन लोगों ने, त्रिवेदी ने बताया था मुझे, लेकिन मैं इनसे मिल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उस दिन हम दोनों कहाँ होटल। बिल्कुल सही, हमें 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 इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सर टीवी बंद हो गया, अब मैं शुरू हो जाऊँ? एक मिनट, अब पहले जाकर के वो जंगेठी वाले केस को संभालिए, और वो मोंगे और वो टकला क्या नाम उसका बलवंत, उनसे जाके मिलिए, वरना बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। प्लीज जाइए। शाह ठीक है सर, कल ही बुला लेती हूँ उन्हें। यार ये औरत हमेशा एक ही मूड में कैसे हो सकती है? ये क्या ड्रामा किया है तुम लोगों ने, किसने पूछ कर किया ये सब? मैंने नहीं मैम, इन्होंने। ऐसी क्या आफत आ गई थी पोस्टर छपवाने की? तो मैं क्या करता मैडम जी, मंत्री जी को नसबंदी शिविर का उद्घाटन करना था। हाँ तो? और हमें पोस्टरों की जरूरत थी, मैंने मांगे थे इनसे, पूछिए मांगे थे, लेकिन एन वक्त पर इन्होंने लाफिंग बुद्धा की तरह हाथ खड़े कर दिए, इसीलिए हमने जल्दबाजी में पोस्टर छपवा लिए। बस पोस्टर छपवा दिए, क्या जवाब दूँ मैं मंत्री जी को? तुम्हारी वजह से लोग मंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं और वो मुझ पर गरम हो रहे हैं। मैडम वो तो अभी आपका और मंत्री जी का पर्सनल मैटर है ना। क्या क्या बोला? नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। देवर है तू मेरा, मजाक कर रहा था मुझसे? रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ वो रिपोर्ट, वो मैम ये रही रिपोर्ट्स। मैम अब तो कोर्ट का नोटिस भी आ गया है, मैं क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय पे उंगली उठी ना, तुम तीनों का स्वास्थ्य खराब कर दूंगी मैं, समझे तुम? आपको पता है वो अर्जुन है ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ पता है। तो ये भी तो पता होगा कि वो ना किसी लड़की को भगा ले गया है। ये भी पता है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उस बेचारी को, कोई कमीना उसकी मदद जरूर कर रहा होगा। कैसे कैसे बदमाश लोग होते हैं ना, जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। जी तो करता है ऐसे गुंडे मवारी लोगों को ना खुले बाजार में पकड़ के सब लोगों के सामने इतना पीटना। आपको क्या हुआ? खामखा किसी को गाली क्यों दे रही है? मैं? हाँ फोन उठा, मेरा फोन उठा। हेलो हेलो, ये जगावर जी का नंबर है ना? आप कौन? उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। सुनिए कितने बजे हैं? कोई टाइम पूछ रहे फोन पे? रात के 12 बजे हैं। कोई लड़की है फोन पे और आपसे बात करना चाहती है। लड़की?
हेलो भैया, रिया बोल रही हूँ। हेलो, हाँ हाँ बोल। शाम से उल्टियाँ लगी हैं और ये अर्जुन, अर्जुन का फोन ही नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट हो रही है। भैया आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ओए सुहासिनी है, उसे क्या हुआ? उल्टियाँ हो रही है। ना 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 ना, वो अपनी वो शीला शीला भैंस, भैंस को उल्टियाँ हो रही है। भैंस को भी उल्टियाँ होती है? हाँ, औरतों को उल्टियाँ आती है ना। अच्छा। भैंस भी औरत है ना। अच्छा भैया प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सुहासिनी मुझसे क्यों नहीं बोली? हाँ अच्छा सवाल है, मैं उसे पूछूंगा। अभी मैं जाऊँ डॉक्टर को लेके जाना है ना, भैंस के पास। सुनिए, इतनी रात गए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। हा? मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, रात के 12 बज गए, तू यहीं रहे। नहीं अकेले मत जाइए, फिर अनुज को लेके जाए। अनुज नहीं नहीं वो भी, अरे तू सो जा, मैं मास्टर को ले जाऊंगा। मास्टर को ले जाओगे? हाँ। वो क्या करेगा? हाँ अभी अभी ना उसने अपनी भैंस की सोनोग्राफी कराई। मास्टर के पास भी भैंस है? हाँ बहुत बड़ी भैंस है, मैंने तो कभी नहीं देखी। वो अंदर रखते है ना, वो सिंग मारती है। अच्छा सिंग मारती है। अच्छा तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा मैं फोन कर लूँ। अरे उठाओ ना। उठा। हेलो मास्टर। हाँ देख वो अपनी भैंस है ना जो प्रेग्नेंट है। हाँ अरे शाम से बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं भाई साहब? तू बात सुन और समझ। हाँ तू डॉक्टर को लेके आ रिया है और मैं भी यहाँ से आ रिया हूँ। अर्जुन नहीं आ रही है, वो हवालात में जा रही है। पर तू आ रही है, समझ रही है? तू आ रही है, आ रही है, जा रही है। मास्टर तू समझ रिया है कि नहीं? समझ रिया है? रिया मैं समझ रिया हूँ, मैं समझ रिया हूँ भाई साहब। रिया रिया अर्जुन की रिया। मैं आ रहा हूँ, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे मास्टर भोपाल का है ना, भोपाल से, वहाँ सब आ रही है जा रही है। अब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मास्टर भोपाल से है?